हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ भूमिका परमार फ्रॉम अश्वमेध विद्यालय। फास्टली हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो देखा था वो रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा था काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल्स के काइंड्स यानी कि उसकी टाइप्स वो कितनी होती हैं, तो टोटल 3 टाइप्स हैं। एक है ट्रेपेजियम, दूसरा है काइट एंड तीसरा है पैरेललोग्राम। और भी हैं हम लोगों के पास, लेकिन बेसिकली हम लोगों के जो सिलेबस हैं उसमें 3 ही है। अब ट्रेपेजियम हम लोग किसको बोलते हैं, तो जो हम लोगों के पास 2 अपोजिट लाइंस हों वो एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्शन जो है वो नहीं करती हों। ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विथ अ पैर ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड की एक पैर जिसमें हो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेपेजियम। फिर आता है काइट। तो काइट में हम लोगों के पास 3 जो है वो बेसिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। सबसे पहली जो है वो कौन से हैं, सॉरी 2 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अ काइट हैज 4 साइड्स, यानी कि ये जो है वो क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, उसके 4 साइड्स जो है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट है, देर आर एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो उसमें जो है वो 2 पास वाली जो लाइन है, लाइन सेगमेंट्स जो हैं वो उसकी लेंथ जो है वो इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये दोनों है वो कॉन्सिक्यूटिव लाइंस हैं, कॉन्सिक्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड्स हैं। ये 2 जो है वो कॉन्सिक्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड्स हैं। तो ये जो है दोनों के दोनों हम लोगों के पास उसका जो है लेंथ वो सेम होनी चाहिए एक पैर की, यानी एक पैर यानी कि 2 लाइन सेगमेंट्स। सो ये जो है दोनों लाइन सेगमेंट इसकी लेंथ सेम होनी चाहिए, ये जो है वो अगेन लाइन सेगमेंट इसकी लेंथ सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने देखा था पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में हम लोगों ने क्या देखा था, तो पैरेललोग्राम हम लोग किसको बोलते हैं, तो जो एक दूसरे की पैरेलल लाइंस हैं। अ पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल एज द नेम सजेस्ट। जैसे नाम में कहा गया है उसी टाइप से पैरेललोग्राम जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल है एंड इट हैज़ पैरेलल लाइंस। सो यहाँ पे जो है तो ये दोनों लाइंस जो हैं उसकी अपोजिट लाइंस जो हैं वो हम लोगों को पैरेलल होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये दोनों लाइंस लाइन सेगमेंट जो हैं वो पैरेलल हैं एंड ये जो दोनों लाइन सेगमेंट हैं वो पैरेलल हैं। अब अगर हम लोग ये एग्जांपल देखें तो ये भी एक बार तो हम लोगों को पैरेललोग्राम ही दिखेगा, लेकिन यहाँ पे हम लोगों के पास जो हैं ये जो दोनों अपोजिट साइड है लाइन सेगमेंट ए सी एंड लाइन सेगमेंट बी डी, तो ये एक दूसरे के पैरेलल लाइंस नहीं हैं, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। जैसे हम लोग इसको आगे के आगे लेंथ बढ़ाते जाएंगे, इसको कन्वर्ट ये जो लाइन सेगमेंट है उसको इंक्लूड करता हुआ हम लोगों के पास एक लाइन मिलेगा। तो ये जो लाइन है वो हम लोग अगर ड्रॉ कर ले तो वो कहीं ना कहीं आगे जाके इंटरसेक्शन होगी, यानी कि ये जो है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो ये जो है वो पैरेललोग्राम का एग्जांपल नहीं है। अब डेफिनेशन अगर हम लोग देखें, पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो पैरेललोग्राम जो है वो हम लोग किसको बोलते हैं, तो जिसके अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल होती हैं। नेक्स्ट जो है एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का एलिमेंट्स कौन से हैं, एक तो लाइन सेगमेंट्स यानी कि उसकी जो साइड्स हैं वो होगी, 2 पैर ऑफ साइड अपोजिट साइड्स लाइन सेगमेंट बी सी एंड लाइन सेगमेंट ए डी आर अपोजिट साइड्स, लाइन सेगमेंट ए बी एंड लाइन सेगमेंट सी डी आर अपोजिट साइड्स। सेम एज अपोजिट एंगल्स, एंगल ए एंड एंगल सी आर अपोजिट, एंगल बी एंड एंगल डी आर अपोजिट। नेक्स्ट जो है एडजेसेंट साइड्स। तो एडजेसेंट साइड्स हम लोगों के पास कौन से हैं, लाइन सेगमेंट ए बी एंड लाइन सेगमेंट बी सी आर एडजेसेंट साइड्स, लाइन सेगमेंट ए डी एंड लाइन सेगमेंट सी डी आर एडजेसेंट साइड्स। तो उस तरह से हम लोगों के पास एडजेसेंट एंगल भी मिलेंगे, तो वो कौन से होंगे, तो एंगल ए एंड एंगल बी आर एडजेसेंट एंगल्स। सेम एज एंगल डी एंड एंगल सी आर एडजेसेंट एंगल्स। तो ये हम लोगों ने पैरेललोग्राम के एलिमेंट्स के बारे में देखा। उसकी एक प्रॉपर्टी जो है वो हम लोगों के पास है, द अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ।
तो पैरेललोग्राम जो है उसकी अपोजिट साइड, यहाँ पे हम लोगों के पास अपोजिट साइड्स कौन से हैं, लाइन सेगमेंट ए बी एंड लाइन सेगमेंट सी डी, तो इन दोनों की लेंथ जो है वो सेम होगी, एंड लाइन सेगमेंट बी सी एंड लाइन सेगमेंट ए डी, तो इन दोनों की लेंथ जो है वो सेम होगी, उनका मेजर जो है वो इक्वल होगा। तो ये जो था वो एलिमेंट्स पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी थी। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम जो है उससे पहले हम लोगों के पास कुछ एग्जांपल्स हैं पैरेललोग्राम के ऊपर डिपेंडेंट, तो वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों के पास कौन सा है, एग्जांपल नंबर 3, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस जो है हम लोगों के पास पैरेललोग्राम, उसका हम लोगों को पैरामीटर फाइंड करना है। अब पैरामीटर जो है यहाँ पे हम लोगों के पास फिगर दे दी गई है एग्जांपल के क्वेश्चन में, तो हम लोगों के पास पैरामीटर फाइंड करनी है। अब पैरामीटर यानी कि क्या, तो जो सारी की सारी साइड्स होती हैं उनका हम लोग सम करें तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरामीटर। तो यहाँ पे एक साइड का मेजर जो है वो हम लोगों को दे दिया गया है 12 सेंटीमीटर, दूसरी साइड का मेजर जो है वो अगेन दे दिया गया है 7 सेंटीमीटर। अब अभी अभी हम लोगों ने जो प्रॉपर्टी देखी, कौन सी वाली, द अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ, अगेन ये प्रॉपर्टी के थ्रू हम लोग जाएं तो इसकी अपोजिट साइड जो है लाइन सेगमेंट पी क्यू जो है उसकी अपोजिट साइड जो है वो कौन सी होती है, लाइन सेगमेंट एस आर, एंड लाइन सेगमेंट क्यू आर की अपोजिट साइड जो है वो होती है लाइन सेगमेंट पी सी। अब प्रॉपर्टी के थ्रू हम लोग जाएं तो हम लोगों के पास क्या है कि अपोजिट साइड जो है उसके लेंथ जो है वो हम लोगों को सेम मिलती हैं। तो उस एग्जांपल के थ्रू हम लोग जाएं तो यहाँ पे हम लोगों के पास जो पैरेललोग्राम है कुछ इस तरह का है, पी क्यू आर एंड एस, 12 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। अब इसकी अपोजिट साइड हम लोग अगर जाएं तो वो हम लोगों के पास मिल रही हैं लाइन सेगमेंट एस आर, तो इसका भी अगेन 12 सेंटीमीटर जो है वो लेंथ होगी, एंड क्यू आर तो उसकी भी अपोजिट साइड हम लोगों के पास है पी एस, तो उसका भी लेंथ हम लोगों के पास मिलेगा 7 सेंटीमीटर। अब ये जो हैं तो हम लोगों को पैरामीटर फाइंड करनी है। अब पैरामीटर यानी कि क्या, तो सारे के सारे जो साइड्स हैं उनका हम लोग सम करें तो हम लोगों को पैरामीटर मिल जाएगी। तो सारे साइड्स का अगर हम लोग सम करते हैं सो पैरामीटर इज इक्वल्स टू पी एस प्लस एस आर प्लस आर क्यू प्लस पी क्यू। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक बात नोट की हो तो ये जो है वो सारे के सारे लाइन सेगमेंट है, लेकिन मैंने यहाँ पे लाइन सेगमेंट जो है वो नेचुरली हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, लेकिन मैंने तो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ नेम ही लिखे हैं, लाइंस के जो एंड पॉइंट्स जो हैं, लाइन सेगमेंट के जो दो एंड पॉइंट्स हैं उन्हीं के नाम लिखे हैं। तो ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम लोग जो है वो मेजरमेंट लिख रहे हैं, मेजरमेंट लिख रहे हैं इसलिए हम लोग जो है वो उसका नाप जो है नाप लिखने वाले हैं, इसलिए हम लोगों ने लाइन सेगमेंट का सिंबल जो है वो नहीं लिखा है। अब पी एस की देखें अगर हम लोग तो 7 सेंटीमीटर प्लस एस आर की लेंथ हम लोग देखें तो 12 सेंटीमीटर प्लस आर क्यू के देखें तो अगेन 7 सेंटीमीटर प्लस पी क्यू तो उसकी लेंथ है हम लोगों के पास 12 सेंटीमीटर। तो इन चारों का नाप जो है, चारों के चारों जो साइड्स का मेजरमेंट जो है उनका हम लोग सम करते हैं तो हम लोगों को आंसर क्या मिलता है, 38 सेंटीमीटर। तो ये जो है हम लोगों को मिल जाती हैं पैरामीटर। बेसिकली इसमें सम ही करना है साइड का, लेकिन सबसे पहले उसके लिए आप लोगों को प्रॉपर्टी यूज़ करनी है एंड वो आप लोगों को आना चाहिए। तो ये जो था पैरामीटर फाइंड करने का कहने के लिए एग्जांपल। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के एंगल्स जो हैं तो वो हम लोग देखते हैं, एंगल पी है, एंगल एस है, फिर एंगल
आर है, एंगल क्यू है। तो इस तरह से हम लोगों के पास हर एक पैरेललोग्राम में एंगल्स होते हैं। अब उसकी प्रॉपर्टी अगर हम लोग देखें तो वो कौन सी वाली प्रॉपर्टी है, द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर। तो जैसे उसकी साइड जो है उसके मेजरमेंट अगर हम लोगों के पास सेम मिलते हैं, अपोजिट साइड के अपोजिट साइड्स जो है पैरेललोग्राम में उसके मेजर हम लोगों को सेम मिलते हैं, ठीक उसी तरह से जो हम लोगों के पास एंगल्स हैं तो उसके मेजर भी हम लोगों को सेम मिलेंगे। यानी कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर। अब अगर अगेन हम लोग जो है तो ये अगर हम लोग पैरेललोग्राम ले, अब ये पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट एंगल्स कौन से हैं, एंगल पी का अपोजिट एंगल है एंगल आर एंड एंगल एस का अपोजिट एंगल है एंगल क्यू। अब ये जो अपोजिट एंगल है तो अगर एंगल पी का मेजर जो है वो अगर हम लोगों को 70 मिलता हो तो एंगल आर का मेजर भी हम लोग के पास ये जो प्रॉपर्टी है इसके अकॉर्डिंग सेम 70 ही मिलेगा। नेक्स्ट अगर यहाँ पे एंगल एस जो है उसका हम लोगों के पास मेजर जो है वो 110 मिलता हो तो ये एंगल जो है उसके अपोजिट एंगल एंगल क्यू उसका भी हम लोगों के पास मेजर जो है वो सेम मिलेगा 110। ये जो है दोनों मैंने एग्जांपल लिए आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अब हम लोग चलते हैं जो बुक में एग्जांपल है उसकी ओर। इन फिगर 3.26 यानी कि ये वाला BEST इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हम लोगों के पास है BEST, पैरेललोग्राम का हम लोगों के पास मेजर दे दिया गया है। अब फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो हम लोगों के पास एक्स कौन सा है, ये वाला, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एंड इसकी भी वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। तो हम लोग किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले तो हम लोगों के पास प्रॉपर्टी जो है उसका हम लोग यूज करेंगे। कौन सी वाली प्रॉपर्टी, द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर। तो हम लोग जानते हैं कि एंगल बी का अपोजिट एंगल जो है वो एंगल एस है, तो इसका मेजर अगर हम लोगों के पास 100 हो तो इसका भी मेजर हम लोगों के पास अगेन 100 डिग्री ही होगा। यानी कि इन दोनों के मेजर हम लोगों को मिल गए 100 डिग्री। अब जेड का मेजर हम लोगों को फाइंड करना है तो वो हम लोग किस तरह से करेंगे, तो अब हम लोगों के पास जो एंगल एक्स है वो हम लोगों को मिलता है 100 डिग्री। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू 100 डिग्री अपोजिट एंगल्स प्रॉपर्टी के थ्रू। अब नेक्स्ट हम लोगों को फाइंड करना है वाई एंड जेड। अब वाई अगर हम लोग लें तो ये जो दोनों एंगल्स हैं ये एंगल्स हम लोगों के पास एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल्स मिलते हैं। ये जो एंगल तो हम लोगों के पास ये जो एंगल है वो दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो जब एडजेसेंट एंगल अगर हम लोगों के पास हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो लीनियर एंगल हो या फिर एडजेसेंट एंगल एक दूसरे के हों तो उसका सम जो है वो हम लोगों के पास मिलता है 180। यानी कि एंगल ऑफ एस, मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ एक्स और मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ एस प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ ई में अगेन हम लोगों के पास टू एंगल्स हैं वाई एंड जेड। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स एंड जेड कंसिडर करेंगे। सो जेड प्लस एक्स इज इक्वल्स टू हम लोगों को आंसर जो है वो मिलेगा 180 डिग्री। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो एंगल हैं ये दोनों एंगल वो एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स हैं। अब एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल हैं ऑन लीनियर पैर हैं और ये जो दोनों हैं वो लीनियर पैर हैं तो इसके लिए इन दोनों का सम जो है वो हम लोगों को मिलता है 180 डिग्री। अब एक्स का हम लोगों को मिला है 100 डिग्री इज इक्वल्स टू 100 डिग्री 180 डिग्री प्लस ये जो है वो जेड इज एज इट इज। अब दोनों साइड जो है वो 100 से हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं सो जेड इक्वल्स टू हम लोगों को मिलता है 80 डिग्री।
तो जेड का मेजर हम लोगों को अगेन मिल जाता है 80 डिग्री। अब हम लोगों को फाइंड करना है वाई का मेजर, तो वाई का मेजर अगर हम लोगों को फाइंड करना है तो अगेन हम लोगों के पास ये जो है वो लीनियर पैर है। अब ये जो है वो एक ही एंगल है, यानी कि कुछ इस टाइप का हम लोगों को मिल रहा है, ये जो है वो आप लोग देख सकते हैं। अब एंगल जेड जो है वो इस एंगल के दो पार्ट्स हुए हैं, यहाँ पे जो है वो जेड है, यहाँ पे जो है वो वाई है। तो बेसिकली तो इन दोनों का सम जो है वो हम लोगों के पास होता है 180 डिग्री। अब जेड जो है वो हम लोगों को मिलता है 80 डिग्री, तो वाई हम लोगों को फाइंड करना हो तो अगेन हम लोगों के पास होता है वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। वाई का हम लोगों को फाइंड करना है, जेड हम लोगों को मिला 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो वाई का मेजर जो है वो हम लोगों के पास आएगा 100 डिग्री। तो इस तरह से हम लोगों के पास जो है वो मेजरमेंट आता है। अब अगेन ये जो है मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, उसी के ऊपर जो है हम लोगों के पास एक और प्रॉपर्टी है, द एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री यानी कि इन दोनों का जो सम है वो हम लोगों को मिलता है 180 डिग्री, तो उसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इन अ पैरेललोग्राम आर आई एन जी। पैरेललोग्राम है हम लोगों के पास आर आई एन जी। अब ये जो पैरेललोग्राम है हम लोगों के पास, उसके लिए हम लोगों के पास क्या है, द मेजरमेंट ऑफ एन आर इज इक्वल टू 70 डिग्री। यानी कि ये जो मेजरमेंट है वो हम लोगों को मिल रहा है 70 डिग्री। फाइंड ऑल अदर एंगल्स, तो बाकी के जो एंगल्स हैं उसका मेजरमेंट हम लोगों को फाइंड करना है। अब जो सबसे पहले हम लोगों ने प्रॉपर्टी देखी थी कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो उसी टाइप से हम लोगों के पास एंगल आर अगर 70 डिग्री मिल रहा है तो उसका अपोजिट एंगल हम लोगों के पास है एंगल एन, तो उसका मेजरमेंट भी हम लोगों को मिलेगा 70 डिग्री। नेक्स्ट है एंड एन आई, तो एंगल एन जो है एंड एंगल आई जो है वो हम लोगों को सप्लीमेंट्री एंगल्स मिल रहे हैं। अभी अभी हम लोगों ने जो प्रॉपर्टी देखी, एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, तो वो हम लोगों ने जो देखा उसी प्रॉपर्टी का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो इसका हम लोगों को मेजर मिलता है 70 डिग्री, इसका जो है वो हम लोगों को फाइंड करना है, इन दोनों का सम जो है वो हम लोगों को मिलेगा 180 डिग्री। जो सप्लीमेंट्री एंगल है उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चाहे तो यहाँ पे हम लोगों के पास जो है ये जो है पैरेललोग्राम आर आई एन जी। अब ये जो पैरेललोग्राम है उसमें एंगल आर जो है वो 70 डिग्री हम लोगों को मिल रहा है। अब एन जो है उसका अपोजिट एंगल है, तो अगेन हम लोगों को उसका जो है मेजर वो मिलेगा 70 डिग्री। वाई? बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर, तो उससे हम लोगों को इसका मेजर जो है वो मिलेगा 70 डिग्री। अब ये जो एंगल है तो उसका हम लोगों को फाइंड करना है, तो एंगल आई मेजरमेंट ऑफ एंगल आई प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल एन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। वाई? बिकॉज एंगल एन एंड एंगल आई आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। सो एंगल आई जो है उसका हम लोगों को मेजर फाइंड करना है, सो वो एज इट इज रहेगा। एंगल एन जो है उसका मेजरमेंट है हम लोगों के पास 70 डिग्री, सो 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब दोनों साइड से हम लोग 70 डिग्री जो है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो मेजरमेंट ऑफ एंगल आई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो आंसर जो है वो मिलता है हम लोगों को 110 डिग्री। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल जो हम लोगों को मिल रहा है वो है 110 डिग्री। अब एंगल आई एंड एंगल जी, तो ये जो दोनों एंगल हैं ये दोनों एंगल हम लोगों के पास अगेन अपोजिट एंगल्स मिल रहे हैं, तो इन दोनों का मेजर जो है वो भी सेम आएगा। सो एंगल आई एंड एंगल जी आर अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम।
Therefore, angle I equals to measurement of angle I is equals to measurement of angle G is equals to 110 degree. तो इसका जो है वो हम लोगों को अगेन मेजर मिल जाता है कुछ इस तरह से. तो ये जो था हम लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 5. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, नेक्स्ट हम लोगों के पास नेक्स्ट टॉपिक है डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम के हम लोगों के पास डायगोनल किस तरह से होते हैं वो हम लोग देखते हैं. डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इन जनरल आर नॉट ऑफ इक्वल लेंथ. जैसे हम लोगों के पास अपोजिट एंगल्स एंड अपोजिट साइड जो हैं वो इक्वल मिलते हैं, उस टाइप से हम लोगों के पास पैरेललोग्राम जो है वो इक्वल लेंथ के नहीं मिलते हैं. उसके लिए प्रॉपर्टी जो है वो हम लोग देखते हैं. द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. अब बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? एट द पॉइंट ऑफ द देयर इंटरसेक्शन, यानी कि ये जो है इनका इंटरसेक्शन वाला पॉइंट, तो यहाँ से इसकी लेंथ जो है वो सेम होगी, यहाँ से इसकी लेंथ जो है वो सेम होंगी. बाइसेक्ट, बाइसेक्ट यानी कि टू इक्वल पार्ट्स में डिवीजन करना. तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोगों को मिलेगा वो इक्वल लेंथ में इन ये जो डायगोनल है इसको डिवाइड करेगा. अब अगेन हम लोग जो है डायगोनल एसी ले लेते हैं, लाइन सेगमेंट एसी. तो लाइन सेगमेंट एसी का इक्वल पार्ट में डिवीजन होगा एओ से, यानी कि मेजर ऑफ एओ और लेंथ ऑफ एओ इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ओसी. तो वो हम लोगों को मिलेगा. तो ये जो है वो हम लोगों के पास प्रॉपर्टी है. द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. अब इसके ऊपर डिपेंडेंट हम लोगों के पास एक एक्सरसाइज, एक एग्जांपल है, वो देखते हैं. इन फिगर 3.31 यानी कि ये वाली जो फिगर है, एच ई एल पी ये जो है हम लोगों के पास पैरेललोग्राम है. लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर. हम लोगों को लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में दे दी गई है. गिवन दैट ओ ई इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर ओ ई, यानी कि ये जो लाइन सेगमेंट है इसकी लेंथ जो है वो हम लोगों को मिल रही है 4 सेंटीमीटर. एंड एच एल इज 5 मोर देन पी ई. एच एल इज 5 मोर देन पी ई. फाइंड ओ एच. अब अगेन हम लोग देख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग जाएंगे. ये जो है वो बहुत शॉर्टकट में दिया गया है, हम लोग मैं आप लोगों को पूरा का पूरा एक्सप्लेन करती हूँ. यहाँ पे हम लोगों के पास फिगर जो है वो कुछ इस तरह से ड्रॉ की गई है. ये जो है वो पैरेललोग्राम है हम लोगों के पास, एच ई एल पी. अब ये जो है इसके डायगोनल हैं एच एल एंड पी ई. अब पैरेललोग्राम के अगर हम लोगों ने अभी अभी जो प्रॉपर्टी देखी उसमें क्या था कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करता है ईच अदर को, बाइसेक्ट ईच अदर. तो यहाँ से हम लोग अगेन पॉइंट ओ ले लेते हैं. तो इसकी साइज जो है हम लोगों को दी गई है, ओ ई की लेंथ जो है वो 4 है, यानी कि पी ओ की लेंथ जो है वो भी अगेन हम लोगों के पास जो है वो 4 ही मिलेगी, 4 सेंटीमीटर मिलेगी, राइट. अब हम लोगों को क्या दिया गया है, एच एल. एच एल जो है वो 5 मोर देन पी ई. तो सबसे पहले हम लोगों को पी ई की लेंथ फाइंड करनी होगी. तो पी ई की लेंथ हम लोग देखें तो 4 जो है वो ओ ई की एंड 4 पी ई की, सॉरी पी ओ की. तो पी ई इक्वल्स टू हम लोगों के पास क्या मिलेगा, लेंथ ऑफ पी ओ प्लस लेंथ ऑफ ओ ई, यानी कि 4 + 4 इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर. तो वो जो है हम लोगों को मिल गई, यानी कि एच एल का अगर हम लोग देखें तो 5 मोर देन 8. पी ई की लेंथ जो है वो हम लोगों को मिल गई है 8. सो 5 + 8 इज इक्वल्स टू 13. यानी कि ये जो है पूरा एच एल उसकी लेंथ जो है वो 13 सेंटीमीटर. अब हम लोगों को फाइंड क्या करना है, ओ एच, यानी कि ये जो लेंथ है वो फाइंड करनी है. अब पूरा जो डायगोनल है उसकी लेंथ है 13. तो ये जो है यहाँ से हम लोगों के पास बाइसेक्ट होता है, यानी कि ये पार्ट एंड ये पार्ट जो है वो इक्वल लेंथ के हम लोगों को मिलेंगे. तो
ओ एच प्लस ओ एल सॉरी एच ओ प्लस ओ एल एच ओ प्लस ओ एल इज इक्वल्स टू हम लोगों को 13 सेंटीमीटर जो है वो मिल रहा है। हम लोगों को फाइंड करना है ओ एच या एच ओ। तो अगेन ये जो दोनों हैं इसको अगर हम लोग x ले लेते हैं तो ये भी अगेन x ही होगा। इन दोनों का सम जो है वो हम लोगों को मिल रहा है 13 सेंटीमीटर यानी कि 2x इक्वल्स टू 13। तो x की वैल्यू जो है वो हम लोगों को मिल रही है 6.5। अब दूसरी मेथड से हम लोग जाएं तो यहाँ पे दोनों जो हैं वो सेम लेंथ के हैं एंड फुल जो लेंथ है एच एल की वो है 13 सेंटीमीटर। तो ओ एच या फिर एच ओ की लेंथ जो है वो होगी एच एल डिवाइडेड बाई 2 क्योंकि इन दोनों की लेंथ जो है वो सेम होगी। तो इसका आधा हम लोग करें फुल लेंथ का तो हम लोगों को इसकी लेंथ मिल जाएगी। सो 13 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 6.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये जो है हम लोगों के पास ओ एच उसकी लेंथ जो है वो मिलती है 6.5 सेंटीमीटर्स। अब हम लोगों ने जो देखा उसी के ऊपर आप लोगों के पास जो एक्सरसाइज 3.3 है वो सेम उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो वो आप लोगों को होमवर्क में करना होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट है तो आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं एंड मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।